हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं परमजीत आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल परम ट्यूटोरियल में। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हल्दी के आपको क्या क्या यूजेस हैं फेस से रिलेटेड। अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अलग अलग फेस पैक। हल्दी को एक आयुर्वेदिक औषधि माना गया है और पुराने वेदों में भी इसका बहुत जिक्र किया गया है। जो हम हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसमें आप देखोगे कि आपको हल्दी जरूर पाई जाए। तो हल्दी हमारी स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही यूजफुल है और हमारे स्किन से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स को ये रिमूव करने में हेल्प करती है। ये हमारे स्किन को ब्राइटन करने में, मतलब स्किन का जो रंग होता है उसको निखारने में हेल्प करती है। हमारी स्किन की जो पिंपल्स प्रॉब्लम होती है उनको रिमूव करने में हेल्प करती है। हमारी स्किन पे जो पिगमेंटेशन स्पॉट्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करती है। और हाँ गाइज, एक बात और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पैक लगाने के तुरंत बाद आप फेस वॉश से या सोप से अपना फेस वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपका चेहरा काला पड़ जाएगा और दिन में आपको पैक लगाने के बाद कहीं बाहर जाना पड़ गया धूप में तो भी आपका चेहरा काला पड़ सकता है। अगर हो सके तो प्लीज आप इस फेस पैक को, हल्दी के फेस पैक को आप रात को ट्राई करें, क्योंकि रात को आपको ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, यूजफुल होगा। और अब हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं तो हल्दी आपके चेहरे पे थोड़ा बहुत कलर भी छोड़ेगी, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप रात को इसको ट्राई करें ताकि आप सुबह उठकर अपने फेस वॉश से इसको वॉश कर सके। इसीलिए मैं ये सब चीजें आपको पहले ही क्लियर कर दूं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कौन कौन से फेस पैक बनाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। लेट्स सी। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे और उसमें हम डालेंगे हल्दी। तो ये जो फेस पैक है मैं पिंपल्स और ऑयली स्किन वालों के लिए बना रही हूँ, तो सबसे पहले हम एक कटोरी में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, इतनी सी आप हल्दी लोगे। और उसके बाद आप इसमें डालोगे एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये है एल्स गुडनेस की एलोवेरा जेल। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो नेचुरल लीव्स से एलोवेरा निकाल सकते हो। तो आधा चम्मच इसमें मैं एलोवेरा जेल डालूँगी। ओके, एलोवेरा जेल हमारी जो स्किन की पिंपल्स प्रॉब्लम होती है उनको दूर करती है। तो नेक्स्ट मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट डालूंगी वो है हनी, ये है पतंजलि का हनी, आप कोई भी हनी यूज़ कर सकते हो। तो आधा चम्मच इसमें मैं हनी ऐड करूंगी। हनी जो है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, इस तरह का ये एक पेस्ट बनेगा। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी टी ट्री एसेंशियल ऑयल, ये है एल्प्स गुडनेस का टी ट्री एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप लेमन ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर आप ये डालेंगे तो ये पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वर्क करता है ये। तो इसमें एक से दो ड्रॉप मैं एसेंशियल ऑयल की डालूंगी और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसको अप्लाई करेंगे अपने फेस के ऊपर। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे फेस से ऑयल और डर्ट रिमूव करेगा ये। तो ये अब हमारा बनकर तैयार हो चुका है, तो अब इसे अब हम फेस पे अप्लाई करते हैं। ओके गाइस, तो मैं ये फेस पैक अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विड ही है। तो मैंने ये अब अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है और इसको 10 से 15 मिनट सूखने देंगे और इसके बाद अपना फेस वॉश कर लेंगे। ओके गाइस, तो अब हम बनाने वाले हैं सेकंड फेस पैक जो कि है डार्क सर्कल्स के लिए। थोड़ी सी हल्दी लेंगे यहाँ पे और उसके बाद थोड़ा सा हनी, हाफ टी स्पून हनी लेंगे हम। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी दही। ओके, इतनी
दही जो होती है वो हमारी जो स्किन के ऊपर स्पॉट्स होते हैं, जो भी दाग धब्बे होते हैं, उनको लाइटन करने में हेल्प करती है, हल्का करने में हेल्प करती है। तो इसीलिए अब हम इस पैक को अपने डार्क सर्कल्स, जो आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं, उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। हमारा पैक लग चुका है और आप इसको 15 मिनट रखने के बाद फेस वॉश कर सकते हैं। आप इस पैक को हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर ट्राई करें और आप 2-3 हफ्ते में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई करोगे। तो अब हम जो फेस पैक बनाने वाले हैं वो जो हमारे फेस के ऊपर पिगमेंटेशन होती है, स्पॉट्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे हल्दी थोड़ी सी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही है थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच। ये है आलू का रस, आप आलू को कद्दूकस करके और उसका रस निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा हम इसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद अब हम डालेंगे इसमें कोकोनट ऑयल। मैं यहाँ पे पैराशूट का कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, आप कोई भी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ और इसको आप अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। कोकोनट भी जो हमारे स्पॉट्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उनको दूर करने में हेल्प करता है। तो ये इस तरह का आप देख सकते हो लिक्विड सा एक पेस्ट बन गया है। अब हम इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। जिनको भी पिगमेंटेशन है, जो इनके फेस के ऊपर पिंपल्स के जो स्पॉट्स रह जाते हैं, दाग धब्बे होते हैं, वो इस पैक को जरूर ट्राई करें और वीक में 2 से 3 बार जरूर ट्राई करें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। ओके गाइज, तो ये है हमारा थर्ड फेस पैक जिसके पिगमेंटेशन के लिए, स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए है। तो मैं इसको ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी पूरे फेस पे। दस मिनट के बाद हम इसको वॉश कर देंगे। तो प्लीज मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इसको हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर ट्राई करें और आपको जल्दी ही इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसको 10 मिनट रखने के बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं। तो अब हम हमारा फोर्थ और लास्ट पैक बनाने जा रहे हैं जिनकी डल स्किन होती है और ड्राई स्किन होती है उनके लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया हल्दी और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 1/2 चम्मच शहद। अब हम लेंगे इसमें 1/2 चम्मच कच्चा दूध, याद रहे कच्चा दूध ही लें आप। शहद और जो कच्चा दूध है दोनों ही हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, इसीलिए ड्राई स्किन वाले इस पैक को जरूर ट्राई करें और जिनकी डल स्किन हो चुकी है वो भी इसको जरूर ट्राई करें। और ये इस तरह का पेस्ट बन चुका है, अब हम इसको फेस पर अप्लाई करेंगे। ये थी वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस पैक को जरूर ट्राई करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और इस वीडियो को भर भर के लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।